हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर 5, दैट इज हेक्शर ओलिन फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी। सो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हेक्शर इन हिज आर्टिकल पब्लिश इन 1919। इनकी थ्योरी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया इन्हीं के स्टूडेंट द्वारा जिनका नाम था बर्टिल ओलिन। फिर बाद में उन्होंने उसको फिर से पब्लिश किया 1924 में। इनकी एक बुक है ओलिन की जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि पब्लिश हुई थी 1933 में। क्लियर? इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? हेक्शर ओलिन फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी। जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता क्यों है। तो कंट्रीज को जिन गुड्स का प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है वो उनको प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर देती है, और जिन गुड्स का प्रोडक्शन महंगा पड़ता है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लेती है। सो बेसिकली प्राइस डिफरेंस होने की वजह से ही ट्रेड होता है दो कंट्री में। ये थ्योरी हमको एक्सप्लेन करेगी कि प्राइस डिफरेंस होता क्यों है। क्लियर? डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ सेल्वाटोर, the Heckscher-Ohlin theory states that difference in relative factor endowment and factor prices between nation is the most important causes of trade. यानी कि हर एक कंट्री के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्वांटिटी अलग अलग है और उनके प्राइस भी अलग है, जिसकी वजह से हमको दो कंट्री के गुड्स में प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो दो फैक्टर अज्यूम किए गए हैं इस थ्योरी में वो है लेबर और कैपिटल। जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा है, लेबर सस्ता है, तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच अ ग्रेट डील ऑफ रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर इज यूज्ड। यानी कि ऐसे गुड्स जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आसानी से अवेलेबल भी हों और सस्ते भी हों वो गुड्स का प्रोडक्शन करके उनको एक्सपोर्ट करेगी, और ऐसे गुड्स जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आसानी से अवेलेबल ना हो और कॉस्टली भी हो ऐसे गुड्स जो है वो कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लेती है। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ड्यू टू प्राइस डिफरेंस इन द बोथ द कंट्री। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ओलिन थ्योरी, इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म ओलिन मॉडल इज ऑल्सो अ टू फैक्टर टू कमोडिटी एंड टू कंट्री मॉडल। बाकी के जो दो थ्योरी थी उसमें भी टू कमोडिटी और टू कंट्री था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फैक्टर कंसिडर किया था। ओलिन दो फैक्टर लेके चलते हैं, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। और ये थ्योरी हमको बताती है कि दो कंट्री के गुड्स में जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री के पास जो फैक्टर्स है वो अलग अलग है। इसलिए इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? फैक्टर प्रोपोर्शन एनालिसिस। नेक्स्ट, मैं आपको बता दूं कि हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है उसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक्स टैक्सेशन 2 और ऑडिटिंग 1, इन सब की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2,399 रुपीज ओनली। सो टू लेवल अप योर प्रिपरेशन, गो एंड परचेज अवर कोर्स एज सून एज पॉसिबल, एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। आगे बढ़ते हैं। Assumption of this theory relates to two countries, two commodities and two factor, यानी कि labor और capital, it is therefore 2x2x2 model. There is same production function for each commodity in two countries. दोनों ही countries में production function कैसा रहेगा? Same रहेगा, यानी कि दोनों ही labor और capital का इस्तेमाल करके production कर रही है। तीसरा है factors are mobile within the country but immobile between टू कंट्रीज। एक कंट्रीज में लेबर और कैपिटल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बिटवीन द टू कंट्रीज दे आर इन मोबाइल। देर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन ऑल द मार्केट, नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड, यानी कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है और फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करता है दोनों कंट्री में। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर आइडेंटिकल इन टू कंट्रीज। फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन टू कंट्रीज इज द सेम, दोनों कंट्रीज का जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो भी सेम है। फैक्टर एंडोवमेंट आर डिफरेंट इन कंट्रीज, जो फैक्टर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो दोनों कंट्रीज में अलग अलग है। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी सच एज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव गुड्स। जिस कंट्री में कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव, लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव। और लास्ट है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ऑल गुड्स इज होमोजीनियस। जितने भी गुड्स हैं, यानी कि दो गुड्स यहाँ पे अज्यूम किए गए हैं, तो दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा दोनों ही कंट्री में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओलिन इंटरनेशनल ट्रेड इज अ केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। अलग अलग रीजन में ट्रेड होता है इसलिए इंटर रीजनल ट्रेड। अब क्योंकि रीजन्स अलग हैं
तो उनके पास जो फैक्टर्स अवेलेबल होंगे वो भी अलग है। हो सकता है किसी रीजन में लेबर ज़्यादा हो, कैपिटल कम हो, तो किसी रीजन में कैपिटल ज़्यादा हो और लेबर कम हो। तो हेक्शर बोलते हैं कि जो कॉस्ट डिफरेंस आता है उसके दो कॉजेज हैं। पहला, अलग अलग फैक्टर्स होना दो कंट्री में। दूसरा, वो जो फैक्टर्स है उनकी जो क्वांटिटी है वो भी दो कंट्री में अलग होती है। अब आगे इसका और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दो क्राइटेरिया है जिसके थ्रू ओलिन हमको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्राइटेरिया है प्राइस क्राइटेरियन ऑफ फैक्टर अबेंडेंस और स्कार्सिटी। प्राइस देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। प्राइस क्राइटेरिया ऑफ फैक्टर अबेंडेंस और स्कार्सिटी मीन्स द कंट्री वेयर कैपिटल इज रिलेटिवली चीपर एंड लेबर इज रिलेटिवली डियर विल बी कॉल्ड कैपिटल अबेंडेंट कंट्री इवन इफ क्वान्टिटी ऑफ कैपिटल इन दैट ऑफ कंट्री इज रिलेटिवली लेस। देखो, दो फैक्टर्स हैं, एक है लेबर, दूसरा है कैपिटल। जिस कंट्री में कैपिटल सस्ता है और लेबर आसानी से मिलता है तो वो कंट्री कहलाएगी कैपिटल इंटेंसिव। देखो, भले ही उसके पास लेबर की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उसको कैपिटल सस्ता पड़ेगा तो वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होगी। दूसरा, अगर किसी कंट्री में लेबर सस्ता है और कैपिटल आसानी से मिल जाता है तो वो कंट्री कहलाएगी लेबर इंटेंसिव। फिर भले उसके पास कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा हो लेकिन फिर भी उसको लेबर सस्ता पड़ रहा है तो वो कंट्री होगी लेबर इंटेंसिव कंट्री। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, द क्राइटेरियन ऑफ फैक्टर अबेंडेंस ऑफ फैक्टर स्कार्सिटी इज नॉट द क्वांटम, यानी कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी, डिपेंड करता है उस फैक्टर के प्राइस पर। जो फैक्टर सस्ता पड़ रहा हो, लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल इंटेंसिव। ये पहला क्राइटेरियन है जो प्राइस को देखता है। नाउ लेट अस टेक जर्मनी एंड इंडिया एज टू ट्रेडिंग कंट्री, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इट इज अज्यूम दैट जर्मनी इज कैपिटल इंटेंसिव। क्या अज्यूम किया है? कि जर्मनी कैपिटल इंटेंसिव है और इंडिया क्या है? लेबर इंटेंसिव है। सो दैट कैपिटल इज चीपर इन जर्मनी। अगर जर्मनी कैपिटल इंटेंसिव है यानी कि जर्मनी में कैपिटल सस्ता है और इंडिया में लेबर सस्ता है। इसी लाइन को हम इक्वेशन में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, जर्मनी का प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर का रेशियो जो है वो कम है एज कंपेयर टू इंडिया का प्राइस ऑफ कैपिटल बाय प्राइस ऑफ लेबर। यहाँ पे जर्मनी का कॉस्ट रेशियो ऑफ कैपिटल इज लेस देन इंडिया कॉस्ट रेशियो ऑफ कैपिटल। तो साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि जर्मनी के लिए कैपिटल सस्ता है और इंडिया के लिए लेबर सस्ता है। अगर दो कंट्रीज वॉचेस और शर्ट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? जो वॉच का प्रोडक्शन है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है और शर्ट का प्रोडक्शन कैसा होता है? लेबर इंटेंसिव। तो इंडिया क्या करेगी? शर्ट का प्रोडक्शन करेगी और जर्मनी वॉचेस का प्रोडक्शन करके दोनों एक दूसरे से ट्रेड कर लेंगे। क्लियर? नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, प्राइस क्राइटेरियन ग्राफ। ग्राफ दिखने में कॉम्प्लेक्स है नहीं। एक्स एक्सिस पर हमने लेबर लिया है, वाई एक्सिस पर कैपिटल। ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है ये जर्मनी की है और ग्रीन इंडिया की है। लाइन ए बी और सी डी ये क्या है? आइसोकॉस्ट लाइन है, आइसोकॉस्ट लाइन्स, यानी कि इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन दैट कैन बी मेड यूजिंग लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन में हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं वो ये लाइन बताती है। सो ए बी एंड सी डी आर इको कॉस्ट लाइन ऑफ जर्मनी, एक वॉचेस की होगी और एक शर्ट की। और पी वन क्यू वन एंड पी टू क्यू टू आर इको कॉस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इसमें भी एक शर्ट की होगी और एक वॉचेस की होगी। क्लियर? लाइन ने तो हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए लेकिन उस कॉम्बिनेशन में से कंट्री के लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कौन बताएगा? आइसो कॉस्ट कर्व, जहां पर आइसो कॉस्ट कर्व और आइसो कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो पॉइंट होगा उस कंट्री के लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। क्लियर? अगर हम वॉचेस की बात कर लें तो जर्मनी में कर्व ने इंटरसेक्ट किया है एच पर और इंडिया में इंटरसेक्ट किया है आर पर। शर्ट की बात कर ले तो जो शर्ट का कर्व है आइकोकॉस्ट कर्व, उसने जर्मनी में इंटरसेक्ट किया है जे पर और इंडिया में इंटरसेक्ट किया है ई पॉइंट पर। यानी कि ये जो पॉइंट्स अपने को मिले वो दोनों ही कंट्री के लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। अगर इस हिसाब से हम चले तो जर्मनी की हम पहले बात करें, जर्मनी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 100 वॉचेस
100 वॉच को प्रोड्यूस करने में जर्मनी को कितना कॉस्ट लग रहा है, तो कैपिटल और लेबर को मिला के ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड होगा। तो कितना कैपिटल लग रहा है, वॉच वाले कर्व ने कहाँ इंटरसेक्ट किया था, एच पर, यानी कि एफ। तो 100 वॉचेस का प्रोडक्शन करने के लिए जर्मनी को चाहिए ओ एफ कैपिटल और ओ एम लेबर। तो ओ एफ कैपिटल प्लस ओ एम लेबर, क्लियर। शर्ट की बात कर ले तो शर्ट का इंटरसेक्ट कर रहा है जर्मनी को एट पॉइंट जे। तो अगर जर्मनी को 100 शर्ट का प्रोडक्शन करना है तो उसको कितना कैपिटल चाहिए होगा, ओ एफ कैपिटल, और लेबर कितना, ओ एम वन लेबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 वॉचेस और 100 शर्ट की प्रोडक्शन करने में कैपिटल तो उतना ही लग रहा है जर्मनी को, लेकिन अगर वो शर्ट का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जा रहा है फ्रॉम ओ एम वन टू ओ एम वन, क्लियर, फ्रॉम ओ एम टू ओ एम वन। अब इसी तरीके से इंडिया का देख लेते हैं। अगर इंडिया को 100 वॉचेस का प्रोडक्शन करना है तो ग्रीन का इंटरसेक्ट हो रहा है वॉचेस में, ये रहा आर, ठीक है। अगर 100 वॉचेस का प्रोडक्शन इंडिया को करना है तो उसको कितना कैपिटल चाहिए, ओ एन कैपिटल चाहिए, और लेबर कितना चाहिए, ओ जी लेबर चाहिए, क्लियर, वॉचेस में। और शर्ट का इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर। अगर इंडिया को 100 शर्ट का प्रोडक्शन करना है तो उसको ओ टी कैपिटल चाहिए और ओ जी लेबर। यहां पर देखो, अगर इंडिया को 100 वॉचेस का प्रोडक्शन करना है या 100 शर्ट का, तो दोनों में उसको लेबर तो उतना ही लग रहा है, ओजी लेबर, ओजी लेबर, लेबर उतने हैं। लेकिन अगर वो वॉचेस का प्रोडक्शन करती है तो इंडिया का जो कैपिटल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्लियर। ओ एन कैपिटल कॉस्ट लग रहा था वॉचेस के प्रोडक्शन में, और ओ टी कैपिटल कॉस्ट लगेगा शर्ट के प्रोडक्शन में। यानी कि अगर इंडिया वॉचेस का प्रोडक्शन करेगी तो कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो इस पूरे ग्राफ से यहाँ पे क्लियर है कि इंडिया को शर्ट का प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ रहा है और जर्मनी को वॉचेस का प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ रहा है। तो क्या करेगी, जर्मनी विल produce watches and export to India, or India will produce shirts and export to Germany, clear। Now second जो criteria है वो है physical criteria of factor abundance or scarcity। Physical criteria मतलब क्या होता है, if in a country capital ratio is greater than labor as against another country then it will be called capital intensive। यानी कि किसी country में अगर capital का ratio ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लेबर, तो वो कंट्री होगी कैपिटल इंटेंसिव। और अगर जिस कंट्री में लेबर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल, तो वो हो जाएगी लेबर इंटेंसिव कंट्री। यहाँ पे प्राइस नहीं देखी जा रही है, यहाँ पे क्वांटिटी देखी जा रही है। इन अदर वर्ड, बेसिस ऑन दिस क्राइटेरिया इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू हेक्शर ओलिन, वेदर टू कंट्रीज जर्मनी एंड इंडिया आर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव डिपेंड्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जर्मनी और इंडिया लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, वो ये रेशियो डिसाइड करेगा। कैपिटल बाय लेबर रेशियो ऑफ जर्मनी अगर ज्यादा है देन कैपिटल बाय लेबर रेशियो ऑफ इंडिया, तो जर्मनी हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव। देखो, कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा है जर्मनी में तो कैपिटल इंटेंसिव, और लेबर की क्वांटिटी ज्यादा है इंडिया में तो इंडिया हो जाएगा लेबर इंटेंसिव, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ एक्सप्लेनेशन थ्रू ग्राफ। सेकेंड जो क्राइटेरिया है फिजिकल क्राइटेरिया, यहाँ पर एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया है, शर्ट, वाई एक्सेस पर वॉचेस। ये पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ग्रीन वाला इंडिया का है और ऑरेंज वाला जर्मनी का है। सो जी जी वन एंड आई आई वन आर दी पीपीसी ऑफ जर्मनी एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। अगर दोनों ही सेम रेशियो में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, रे ओ आर। पहले तो 45 डिग्री की एक रे बना देनी है, ओ आर। अब हम पीपीसी कर्व से दोनों कंट्री की प्राइस लाइन बना देंगे। जर्मनी के लिए ये प्राइस लाइन होगी P1, और ये इंडिया से इंटरसेक्ट करती हुई ये हो गई इंडिया की प्राइस लाइन P2, क्लियर। जहां प्राइस लाइन और पीपीसी इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट इंडिया के लिए है एफ और जर्मनी के लिए है ई। ये जो कर्व है इससे हमको साफ पता चल रहा है कि जर्मनी जो है वो वॉचेस का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है और इंडिया जो है वो शर्ट का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री प्रोड्यूसिंग शर्ट्स एंड जर्मनी इज कैपिटल इंटेंसिव कंट्री प्रोड्यूसिंग वॉचेस।
PP1 price line of Germany is cheaper than PP2 price line of India. ये जो PP1 price line है Germany की, ये ज्यादा steep है as compared to India. इसलिए ये line से ही clear है कि India को shirts सस्ते पड़ रहे हैं और Germany को watches. So India will produce shirts and export to Germany and Germany will produce watches and export to India. Clear? ये थी हमारी Heckscher-Ohlin factor endowment theory. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you.